साई बाबा की दिल्ली देवली दरबार से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और सावन का महीना चल रहा है, आप सबको पता है सावन का महीना इस बार 2 महीने का था, तो कईयों के घर में सांप निकले, सांप के बच्चे निकले, जो कि अच्छा होता है, लेकिन उन लोगों ने डर के सांप को मार दिया या उसके साथ दुष्व्यवहार कर दिया और जिसकी वजह से उनको दोष लगा है। मेरे को बहुत फ़ोन आए कि गुरुजी अब हम क्या करें, तो उसी दोषों का एक दो उपाय बता रहा हूँ। नाग पंचमी है 21 अगस्त को, तो 21 अगस्त को आप ये करें तो ये दोष से आप मुक्त हो जाएंगे। नाग पंचमी वाले दिन सुबह उठ करके अपने मंदिर में नहा धोकर के पहले पूजा करें, फिर पीतल या तांबे के लोटे में जल भरें, जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध डालें, ये डाल करके आप मंदिर लेकर के जाएं। मंदिर में कच्चा दूध, फल, मिठाई ये साथ लेकर के जाएं और याद रखें बेल पत्थर ले जाना ना भूलें। सबसे पहले तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद जो भोग लेकर के वो अर्पित करें और बेल पत्थर वो चढ़ाएं। चावल, रोली, हल्दी ये आपको जब शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ा देंगे तो नाग देवताओं को अर्पित करना है। चावल, रोली और हल्दी ये अर्पित करना है और अर्पित करने के बाद प्रार्थना करनी है कि जो मुझसे ये पाप मेरे से हुआ है जाने में अनजाने में, और इस पाप से जो दोष मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को जो लगा है, इससे हमें मुक्त करें, और मत्था टेक के 3 बार नाग रगड़नी है। और अगर लेकिन याद रखें से पूजा विधि सेम रहेगी। पूजा विधि करने के बाद शाम के टाइम बासी खाना खाना है, सुबह बनाएं और शाम को खाएं, और दिन में पूजा करने के बाद सिर्फ फल। अच्छा, ये करने के बाद याद रखें कि शिव जी की पूजा हो गई, सब चीज़ हो गई, और गोगा नवमी पे जरूर पूजा करें। अपने घर में कई लोग कोयले से सांप बना के पूजा करते हैं या जिस भी तरीके से करते हैं, गोगा नवमी जरूर पूजनी है। ये करने के बाद आप देखेंगे कि जो दोष लगा है ये तो इससे तो मुक्त होगा ही होगा, परिवार और घर में खुशहाली भी आ जाएगी। जय बाबा की।